पढ़ते हैं जहां जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दावा बाजार मार्केट में ये भीषण आग लग गई। 6 दुकान समेत गोदाम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जहां फायर ब्रिगेड टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग बुझाने के प्रयास अभी भी जारी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से जहां दावा मार्केट में ये भीषण आग की खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से आग बुझाने का कार्य फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार ये साफ जाहिर कर रहा है कि यह आग कितनी ज्यादा भीषण है। फायर ब्रिगेड टीम आग बुझाने में लगातार जुटी हुई है। आग बुझाने के प्रयास इस वक्त भी जारी। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि लोगों की भीड़ भी इकट्ठा है। 6 दुकान समेत गोडाउन में ये भीषण आग की खबर, जो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है मुख्य आग लगने की वजह। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, जहां आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। हम जानकारी अपडेट के साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, किस तरह की अपडेट मिल रही है? क्या आग पर काबू पाया जा सका या स्थिति जस की तस? बिल्कुल सीमा, देखिए आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। 6 वाहन दमकल के लगे हुए हैं और शॉर्ट सर्किट से आग बताई जा रही है। पूरा दबा मार्केट है, कृति कॉम्प्लेक्स है सात्विक ब्रिज के पास, और वहां पर ये आग जो है वो 6 से ज्यादा दुकानों में लगी है। गोदाम है, दवा जहाँ पे रखी रहती है, केमिकल जहाँ रखे रहते हैं, और यही वजह है कि आग बहुत तेजी से भड़की और 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लगातार जो दमकल विभाग है वो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। मौके पर जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, महापौर खुद मौके पर हैं और लगातार कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो आग पर काबू पाने का है, क्योंकि लगातार जो दुकानें हैं वहां पर पास में रिहायशी इलाका है, दुकानें जो हैं वो लगातार लगी हुई है इसके बाद, और पूरा दबा मार्केट है। ऐसे में दुकानों में आग आगे ना फैले इसको लेकर कड़ी मशक्कत जो है वो दमकल विभाग कर रहा है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और 6 से ज्यादा दमकल के वाहन जो है वो मौके पर आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आग जो है वो अगर बात की जाए तो काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन प्रयास ये है कि जो आगे की दुकानें हैं जहाँ पर गोदाम बने हुए हैं, जिस तरीके की दवा दुकानें हैं, थोक दुकान है, थोक मार्केट है, उसमें आग ना फैले, ये इस बात को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं दमकल विभाग काम कर रहा है और लगातार जो है वो प्रयास आग पर काबू पाने का है। बिल्कुल, और इस पूरे विषय में अगर बात की जाए नुकसान के आकलन की, तो इस पूरे मामले में कितना नुकसान हुआ है, क्या इसका कोई आंकड़ा भी जारी किया गया है? देखिए सोनम, शॉर्ट सर्किट से आग ये बताई जा रही है और अगर बात की जाए जो नुकसान है तो लाखों में हो सकता है, कि जो दुकानें हैं वो दवा दुकान है, थोक गोदाम वहां पर है, केमिकल वहां पर रखा होता है, दवा की महंगे ब्रांड की दवाइयां जो है वो वहां उपलब्ध होती है और थोक मार्केट ये जबलपुर का है, तो ऐसे में लाखों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि अभी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। पहले प्रयास जो है वो दमकल विभाग का आग पर काबू पाने का है, क्योंकि लगातार वहाँ 80 से ज्यादा दुकानें जो है वो दबा की है। बिल्कुल, और खासतौर पर देखिए खासा नुकसान इससे साफ जाहिर हो रहा है। आपको बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी तमाम अपडेट साझा करने के लिए।